भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर शास्त्र आदि सुनते सुनाते तमो प्रधान बन गए। सुनने वाले सुनते रहे, सुनाने वाले सुनाते रहे और जट क्या आया, तामसी बनते गए और ये अंधश्रद्धालु बनते चले गए। अभी हमको कोई मनुष्य से कुछ भी नहीं सुनना है। क्या क्यों अब क्यों नहीं सुनना है, पहले क्यों सुना? 2000 वर्ष की हिस्ट्री में तो सुनते चले आए, मनुष्य गुरुओं से ही सुनते चले आए, अब क्यों नहीं सुनना है? अभी इसलिए नहीं सुनना है कि हमने सच्चाई को जान लिया है। अभी तक हम अंधश्रद्धा से समझते रहे थे कि हो सकता है शास्त्रों के पढ़ने से, शास्त्रों के सुनने से, सुनाने से सदगति होती है, और समझते थे कि लाखों वर्ष की सृष्टि होती है, और समझते थे कि अनेक योनियों में मनुष्य आत्मा जन्म लेती है, फिर कहीं जाकर के एक मनुष्य का जन्म मिलता है, उसमें भी अगर मुक्ति हुई हुई न हुई तो फिर 84 का चक्र लगाना पड़ता है। ऐसी उल्टी उल्टी बातें बुद्धि में बैठी हुई थी। अभी तो सारा ज्ञान क्लियर हो गया। क्या कि भगवान सिर्फ 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में एक ही बार आकर के समझाते हैं, बार बार नहीं आते। हर युग में आने की उनको दरकार नहीं है, वो सिर्फ चतुर्युग के अंत में जो चौथा युग आता है, कलाहीन सबसे गिरा हुआ युग, उसके अंत में आते हैं और आकर के इस सस्य रूपी पुराने मकान को नया बनाकर जाते हैं। कोई भी बाप होता है तो अपने बच्चों के लिए कोई नया मकान थोड़ा ही तोड़ देता है, नया मकान तो सुखदायी होता है, उसे क्यों तोड़ेगा। तो ये सृष्टि रूपी मकान भी जब 4 अवस्थाओं से पसार हो जाता है, जर्जरी भूत तमो प्रधान हो जाता है, तो अब आप कलयुग के अंत में आकर के इसको सतो प्रधान सात्विक बनाता है। अब हम समझ गए हैं कि दुनिया में जितने भी मनुष्य गुरु हुए हैं, जो भी आत्माएं हैं, वो सब स्वार्थी है, सबको अपना अपना रथ है, और जिनको अपना रथ होता है उस रथ में आसक्ति होती है, वो स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करते हैं। भगवान बाप आकर के बताते हैं, मेरे को अपना रथ नहीं, जब मेरे को अपना रथ ही नहीं है तो मेरे अंदर स्वार्थ भी नहीं। वो तो सदैव परमार्थी है, सदा शिव है, शिव मना सदा ही कल्याणकारी है, वो जो कुछ बोलता है वो कल्याणकारी, जो देखता है कल्याणकारी, जो सोचता है कल्याणकारी, वाइब्रेशन छोड़ता है कल्याणकारी, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है कल्याणकारी, तो वो तो हर हालत में सदा ही कल्याणकारी है। और मनुष्य जो कुछ भी करते हैं देहभान में आकर के, वो सब अकल्याण ही हो जाता है। अब हमको स्पिरिचुअल रूहानी बाप से सुनना है। क्या हमने पक्का कर दिया है? क्या पक्का कर दिया कि हमें स्पिरिचुअल रूहानी बाप से ही सुनना है? उसके लिए ये गारंटी है कि उसके मुख से डायरेक्ट कोई एक महावाक्य भी सुनेगा और भले चला जाए सुन करके, तो वो भी स्वर्ग में जरूर आ जाएगा। इतनी उसके सुनाने की शक्ति है, पावरफुल, कि उसका एक सुना हुआ महावाक्य वो भी हमारे ऊपर इतना असर कर सकता है। और मनुष्य गुरुओं से हम जन्म जन्मांतर सुनते चले आए, बजाय स्वर्ग में जाने के और ही
दुनिया नरक ही बनती चली गई। तो हमने पक्का कर लिया है क्या कि हम एक से सुनेंगे, अनेकों से सुना तो वो विविचारी ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान भी कैसा हो जाता है? विविचारी। लेकिन होता क्या है, बेसिक नॉलेज में वहां ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके देखो, गुरुओं से सुनते हैं या भगवान से डायरेक्ट सुनते हैं? गुरुओं से सुनते हैं। तो दुर्गति होगी या सदगति होगी? सदगति होगी। दुर्गति ही होगी, बुद्धि खराब होती जा रही है। गीत गाते हैं, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, फिर प्रैक्टिकल एक्ट में देखा जाता है कि भाई भाई नहीं दिखाई देते, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। तो हमने पक्का कर लिया है कि हम एक ही रूहानी बाप से सुनेंगे और कोई भी जिस्मानी गुरु से नहीं सुनेंगे। सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे। क्या रूहानी बाप से सुनने वाले कौन होंगे? रूहानी बच्चे, जो रूह की स्टेज में टिके हुए होंगे। क्या देवान की स्टेज में टिके हुए बच्चे वो बाप को पहचानते ही नहीं। देवान की स्टेज में टिके हुए होंगे तो बाप की वाणी एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। बाप कहते मैं तो अपने रूहानी बच्चों से बात करता हूँ। मैं किससे बात करता हूँ? मैं आत्माओं का बाप हूँ। तो जो आत्मिक स्थिति में टिके हुए हैं, जिन्होंने आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस पक्की कर रखी है, उनसे बात करता हूँ, दूसरों से बात ही नहीं करता। इसलिए मुरली में पहले ही बोल दिया, क्या आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। माना जब तक कट नहीं उतरी आत्मा की बेसिकली, तब तक भले ब्रह्मा द्वारा सुनते रहे, अम्मा द्वारा सुनते रहे, दीदी दादी दादाओं द्वारा सुनते रहे, लेकिन जैसे ही स्टार को याद करते करते बेसिकली कट उतरती है, वो बच्चों का क्लास क्या होता है? ट्रांसफर होता है। जब क्लास ट्रांसफर होता है ना, तो टीचर भी बदल जाता है और स्थान भी बदल जाता है। तो ये तो प्रैक्टिकल पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी कौन है? ऊंचे ऊंच रूहानी बाप पढ़ाने वाला है। आत्मा है वो सब मनुष्य है, और जो मनुष्य है वो मनुष्यों को ही सुनाते हैं। ये है रूहानी बाप का ज्ञान, वो मनुष्यों का ज्ञान। बोले वो बोले, अरे तुम कहते हो कि वो मनुष्यों का ज्ञान है और तुमको जो सुनाने वाला वो भी तो मनुष्य है। वो अगर कहे कि वो भी तो मनुष्य है, बोलो रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते, ये नहीं सुनाने वाला है। क्या राम और कृष्ण की आत्माएं सुनाने वाली नहीं है? उनके अंदर वो रूहानी बाप प्रवेश करता है और प्रवेश करके सुनाता है। उनमें भी जो कृष्ण की सोल अंतिम चोला लेती है, उसमें वो माँ के रूप में सुनाता है, वर्षा देने वाले बाप के रूप में नहीं सुनाता। माँ के द्वारा वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बाप से मिलता है। तो भले वो रामकृष्ण में प्रवेश करता है, लेकिन रामकृष्ण की आत्माएं हमें न सुनाती है और न हमको टीचर बनकर के एक एक वाक्य का हिज्जा हिज्जा करके समझाती। वो सुप्रीम सोल बाप ही बाप भी है, हमारा टीचर भी है और हमारा सदगति करने वाला सदगुरु। वो हमारी मन बुद्धि की सदगति वो ही कर सकता है, और कोई भी मनुष्य मात्र हमारी मन बुद्धि की सदगति नहीं कर सकता। गति और सदगति,
गति माने बुद्धि चलायमान हो जाए, जो जड़ बुद्धि बनी पड़ी है ना, जिस बुद्धि में आत्मा में कोई सत्संकल्प चलते ही नहीं, बस स्वार्थ के ही संकल्प चलते हैं सुबह से लेके शाम तक, देह और देह के संकल्प चलते हैं और 63 जन्म से चलते आए हैं। अब वो बाप आकर के असलियत बताए रहा है, बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम्हारा आत्माओं का अपना परिवार है, तुम तो रूहानी बाप के बच्चे हो, तुम अपने रूहानी परिवार को भूले हुए हो। जो रूहानी परिवार 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था, अभी फिर रूहानी बाप आया हुआ है, वही रूहानी परिवार तुम्हारा तैयार हो रहा है, तो आपस में कितना प्यार होना चाहिए, कितनी रूहानियत की आपस में कशिश होनी चाहिए। लेकिन बाप कहते हैं 63 जन्म के मेरे बच्चे आदि हैं, सुनने और सुनाने के, मनुष्य गुरुओं से सुनते हैं, मनुष्यों को सुनाते हैं, तो आदत यहाँ भी वो पक्की हो जाती है। कितने साल हो गए सुनते सुनते, अभी जब से बाप आया है तब से कितने साल हो गए, 68 साल हो गए, और 68 साल में भी अभी हम किससे किससे सुनते रहते हैं। अब कितने बच्चे हैं जो गुरुओं से ही सुनते रहते हैं, यहाँ तक कि इतना कह देते हैं कि भगवान भी आ जाए ब्रह्मा भी आ जाए तो हम नहीं मानेंगे, जब हमारी दादी मानेगी तो हम मान जाएंगे, जब जगदीश भाई मानेंगे तब मान जाएंगे। तो बाप कहते हैं जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, इसका तुम गम मत करो कि अरे बाबा ने तो कहा है एक बाप से सुनना है, अनेकों से सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और ये ऐसे कहते हैं, वो तो कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि वो कल्प कल्पांतर यही धंधा करते आए हैं, भले भगवान बाप सुनाने के लिए आ जाता है तो भी वो देहधारियों के चक्कर में फंस जाते हैं, वो यहाँ शूटिंग करते हैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहां भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे 2500 साल के ड्रामा में, उनकी चिंता मत करो, तुम अपने को देखो कि हम कहीं देहधारी धर्म गुरुओं से तो नहीं सुनते हैं, कैसेट भी लगाते हैं तो किस लिए लगाते हैं, हम जानते हैं कि कैसेट जो को सुनाती है वो एक्यूरेट सुनाती है, कागज में लिखा हुआ छपा हुआ पढ़ेंगे उसमें छापने वाला गलती कर सकता है, उसमें लिखने वाला गलती कर सकता है, सुनाने वाला भी कुछ न कुछ अपनी मिक्स कर सकता है, इसलिए वो है थर्ड क्लास माल। हम वो थर्ड क्लास माल लेने वाले थर्ड क्लास बच्चे नहीं है, अरे हम तो अब गुड सेकंड क्लास लेने वाले, क्या क्या गुड सेकंड माना टैप रिकॉर्डर भी नहीं, क्या नहीं नहीं वो चलो डायरेक्ट हमेशा नहीं मिलता है, चलो हमेशा के लिए तो नहीं मिलता है, डायरेक्ट साकार में तो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो भी कम से कम उसकी हलन चलन उसके वाइब्रेशन हम टीवी से तो खींच लेते हैं, टीवी में तो उसकी हलन चलन भी है, उसकी दृष्टि भी है, सिर्फ वाइब्रेशन नहीं होता है, तो वाइब्रेशन को हम तो ज्ञानी बच्चे हैं हम खींच सकते हैं कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं और क्या कह रहे हैं, तो गुड सेकंड क्लास माल तो हम कम से कम लें, जैसा माल लेंगे वैसे हमारे अंदर संस्कार भरेंगे, तो वो भले बोले, वो बोले ये भी तो मनुष्य है तुम्हारा बाबा, तो कहो भले ये मनुष्य है लेकिन इसमें हमको ये मनुष्य नहीं सुनाता, अगर ये मनुष्य सुनाता होता, ये रामकृष्ण की आत्माएं जो मनुष्य बनती हैं आखिरी जन्मों में आकर के, सभी देवताएं आकर के आखिरी जन्मों में मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बिगड़ता है
तो राक्षस बन जाता है, सुधरता है तो देवता बन जाता है, देवता से नीची कोटि में गिरते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं, बल मनुष्य है। लेकिन इनमें रूहानी बाप हमको पढ़ाता है, वो रूहानी बाप पढ़ाता है जिसको अपना शरीर नहीं होता। अगर उसको भी अपना शरीर हो, वो भी जन्म मरण के चक्र में आए, तो इस सृष्टि का उद्धार करने वाला कोई नहीं है, नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है वो अगर उद्धार करने वाला होता, सच्चाई का ज्ञान सुनाने वाला होता, तो 63 जन्मों में भी तो रामकृष्ण की आत्माएं थी कि नहीं थी? वहां क्यों नहीं सुना लिया? तो वो हमको सुनाने वाले नहीं है, हमको सुनाने वाला वो है जो इन स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता है। जैसे आत्मा इन आंखों से नहीं दिखाई देती है, वैसे आत्माओं का बाप परमात्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं। कोई कहे कि चलो दर्शन करे आए तुम्हारे गुरु जी के, अरे तो हमारा गुरु जी तुम्हें इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, नहीं। इसके लिए तुम पहले 7 दिन का कोर्स करो, बेसिक कोर्स करो, फिर एडवांस कोर्स करो, फिर जाकर के 7 दिन की भट्टी करो, तब तुम्हारी बुद्धि में बैठेगा। ये तो ज्ञान की बातें हैं, बुद्धि योग से समझी जा सकती है, इन आंखों से देखने के लिए ये नहीं है। हम रूह सुनने वाली है, हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाती है। हम रूहानी स्टेज में रहने वाले रूह की स्टेज में रह करके दूसरों को सुनाते हैं। अगर देवान की स्टेज में रह करके दूसरों को सुनाएंगे तो हमारे सुनाए हुए का उनके ऊपर असर नहीं पड़ने वाला नहीं। ये है रूहानी ज्ञान, क्या रूहों का उद्धार करने वाला ज्ञान है, ये जिस्मानी ज्ञान नहीं है। बाकी सब है भगत। बाप कहते हैं तुम अपन को मनुष्य व भगत मत समझो, क्या अब तुमने ईश्वर का ज्ञान ले लिया? ईश्वर आता है नर को नारायण जैसा देवता बनाने के लिए, नारी को लक्ष्मी जैसी देवी बनाने के लिए, तो अब तुमको मनुष्य अपन को नहीं समझना है। क्या समझना है? कि अब हम देवी देवता सनातन धर्म की भांति बनने वाले, तो वो ही बन सकते हैं जो आत्म की स्थिति में स्थित हो, देवान को त्याग दे। तो अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तुम आत्माएं भाई भाई हो, क्या तुम्हारा रूहानी बाप है शिव, वो स्त्री या पुरुष नहीं है, वो तो रूह है और उसके बच्चे भी हम रूह है, रूहानी भाई भाई है, इसमें चोले की बात नहीं है। गाया हुआ भी है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, जो गाया हुआ है वो किस समय का गायन है? ये संगम युग का गायन है, बहुकाल। ये संगम युग में कब से 36 से यज्ञ चलता चला आया, और आत्मा और परमात्मा बाप अभी भी बच्चों से मिलकर के एक होने की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। हम आत्मा बन नहीं पा रहे हैं और आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल बाप से मिलन मेला मनाए नहीं पा रहे। हमारी ऐसी अव्यक्त स्टेज हो जाए, कैसी अव्यक्त स्टेज? अव्यक्त माने जो इन आंखों से दिखाई न दे, उसको हम देखने वाले बन जाए। आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती, सुप्रीम सोल भी इन आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन हमको दिखाई दे, क्षण क्षण घड़ी घड़ी हम उसको अपने नजदीक महसूस करते रहे, उससे बातें करते रहे, एक क्षण भी हमारा उससे अलग होने का महसूसियत न हो। तो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दला। ऐसे तो बाप की प्रत्यक्षता वर्ष 76 से मनाया हुआ है।
लेकिन मनाना अलग बात है। क्या मेला मनाना अलग बात है और महसूस करना कि बाप हमको मिल गया, जो पाना था सो पा लिया, अब कोई नौकरी धंधा करने की हमको दरकार नहीं। तो वो स्टेज अभी आई नहीं है। हम निश्चिंत हो जाएं, अरे हमारा विश्व का बाप विश्व का मालिक हमको मिल चुका है, अरबपति का बच्चा हो और वो पैसे पैसे के लिए मोहताज हो तो कोई कहेगा इसका अरबपति बाप से कनेक्शन है? नहीं है। ऐसे ही हमको विश्व का मालिक मिला हुआ है, हेवनली गॉड फादर मिला हुआ है, हेवन का रचयिता है, हेवन का रचयिता। और हम घड़ी घड़ी दुखी हो, दुख के सागर में हम घड़ी घड़ी गोते लगाते रहे, हमारे वाइब्रेशन दूसरों को ऐसे लगे कि जैसे ये बहुत दुखी है भगवान का बच्चा। अरे भगवान का बच्चा ही जब दुखी होगा तो दुनिया में औरों का क्या हाल होगा? तो पाना था सो पा लिया, ये मुंह का गल्ला करने की बात नहीं है, ये अंदर से महसूस करने की बात है कि हमने जो पाना था सो पा लिया, अब हमें 2500 वर्ष तक कुछ भी पाने की दरकार नहीं है, अब हमें पूरा का पूरा वर्षा बाप से मिला। तू वाली बाप है, आत्मा को मुझ बाप को याद करना है। तो जो गाया हुआ है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वो इस समय का गायन है, संक्षिप्त से आया हुआ है, लेकिन सदाकाल निश्चय बुद्धि हम रह पाते हैं कि निश्चय ऊपर नीचे होता रहता है, माया डामाडोल करती रहती है, देवान में ले आती है, आत्म की स्थिति भुला देती है, भुलाती है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में डूब जाते हैं। तो जब डूब जाते हैं तो क्या कहें, रावण के बच्चे बन गए या राम के बच्चे? रावण के बच्चे बन गए। अभी तक भी ये हाल है, इसलिए गाया हुआ है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला। ये नहीं कहा टीचर मिला दलाल, ये नहीं कहा बाप मिला दलाल, बाप टीचर और सदगुरु, लास्ट रूप कौन सा है? सदगुरु का लास्ट रूप है। अभी भी प्यार में पल रहे हैं ना, पहले माँ के प्यार में पले, दादा ला लेखराज के रूप में जो माँ का पार्ट बजाया गया उसमें पले, अभी भी बाप के प्यार का हाथ बच्चों के ऊपर चल रहा है, तो प्यार में ही पल रहे हैं, इसलिए अलबेले हैं। सदगुरु जो है वो किसी के नाज नखरे देखने वाला नहीं है। इसलिए अभी तक ये कहा जा रहा है भक्ति मार्ग में कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया। अभी वो मेला सदा काल का महसूस नहीं हो रहा है। कौन सा मेला? कि गोप गोपियों से वो आतींद्रिय सुख पूछो। क्या वो सुख गोप गोपियों से पूछो, इतने हम गुप्त पुरुषार्थी बन जाए कि हमारा वो गुप्त पुरुषार्थ हमारी जो रूहानी फैमिली के लोग हैं वो ही उसको समझ सके, हमारा ऐसा गुप्त संबंध बन जाए बाप के साथ, तो हमको और कोई भी मनुष्य मात्र से अब सुनना ही नहीं है। कोई सवाल पूछे बोलो, हमारा शास्त्रों का ज्ञान है ही नहीं, तुम शास्त्रों की बातें हमसे पूछते हो, हमारा ज्ञान ही शास्त्रों का नहीं है, किसका है? हमारा ज्ञान तो रूहानी बाप का है। हम उनको फिलॉसफी कहते हैं, शास्त्रों के ज्ञान को हम फिलॉसफी कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं, एक बाप है सदगति दाता और बाकी सब है
दुर्गति जाए तो गुरुओं को तो बहुत गुस्सा आ जाएगा कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाए रहे हैं, ऊपर उसमें शिव का चित्र लगा हुआ है, नीचे बड़ी बड़ी दीदी दादियों दादाओं के फोटो लगे हुए हैं, हम तो साबित कर रहे हैं ये त्रिमूर्ति साबित हो रही है, त्रिमूर्ति शिव आया हुआ है, है? और ये हमको मनुष्य गुरु कह रहा है तो मनुष्य गुरु बोला इसलिए तो हमको पकड़ लिया था वहाँ पे, हम पर्चे बांटने गए थे, चलो ये दीदी को लेके चलो अंदर, अभी हम पर्चे बांटने गए थे तो हमको अंदर चलो बोले भोजन तैयार है बोले अंदर चलो तो तो मनुष्य गुरु नाराज होंगे, तो जो नाराज होता है उसके सामने ज्यादा चकचक नहीं करनी, जो प्यार से सुनता है उसको सुनाना चाहिए, प्यासा है उसको पानी देना चाहिए, भूखा है उसको भोजन देना चाहिए, भूखा है ही नहीं क्या वो भूखा है ही नहीं, और हमको हम उसको योग बल अमृत वेले उठ करके सर्च लाइट दे रहे हैं कि ये सुखी हो जाए, उसको बोला तो आप भाई भाई वो तो अपने को समझेगा कि हम तो पहले से ही स्वर्ग में हैं, तो जो अपने को पहले से ही स्वर्ग में मान रहे हैं उनको ध्यान देने की क्या जरूरत है। सदगति मार्ग का ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं, सर्व का सदगति जाता है, एक राम गाया हुआ है क्या कहीं भी मुरली में नहीं बोला है सर्व का सदगति दाता कृष्ण, सर्व का सदगति दाता सरस्वती, सर्व की सदगति दाता लक्ष्मी, सर्व का सदगति दाता ब्रह्मा, कहीं बोला नहीं बोला, क्या बोला सर्व का सदगति दाता राम, ये गाया हुआ है तो गायन किस समय गए, ये संगम युग का गायन है, वो सर्व का सदगति दाता राम बाप इस संसार में अपने को बाद में प्रत्यक्ष करता है, पहले बच्चों की प्रत्यक्षता बाद में बाप की प्रत्यक्षता, बाकी मनुष्यों के ज्ञान दुर्गति के लिए एक रूहानी बाप ही सदगति करते हैं, सदयुग में तो न ज्ञान होता है न भक्ति होती है, क्या वहां रावण ही नहीं होता, रावण से भक्ति आती है और वहां राम का स्पेशल ज्ञान भी नहीं होता, क्यों क्योंकि राम की भी ग्लानी की है शास्त्रों में, कृष्ण की भी ग्लानी की है शास्त्रों में, विष्णु की भी ग्लानी की है शास्त्रों में, शंकर की भी ग्लानी की है शास्त्रों में, सिर्फ एक ही देवता है, एक ही नाम है जिसकी शास्त्रों में गायन ग्लानी नारायण, लक्ष्मी को भी सत्य लक्ष्मी नहीं कहा जाता, सत्य नारायण की सिर्फ सत्यनारायण की कथा गाई हुई है, सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं गाई हुई है, तो हम जानते हैं कि एक ही दुनिया में सत्य है और वो ही सच्चखंड स्थापन करता है, तो जो सच्चखंड स्थापन करने वाला है वो सतयुग में नारायण बन करके आता है, क्या वो रावण को मारने वाला राम के रूप में नहीं होता है, तो तुम बच्चों को कोई से भी डिबेट आदि नहीं करनी है, क्या वाद विवाद नहीं करना है, हियर नो एविल, वो जो कुछ सुनावेंगे भक्ति की दुर्गति के ही अक्षर निकालेंगे, जन्म जन्मांतर तो सुनते आए हो, अब तो समझ लिया ना कि वही भक्ति की बातें हम जन्म जन्मांतर सुनते आए, रिजल्ट क्या हुआ दुर्गति, भक्ति मार्ग माना दुर्गति मार्ग, ज्ञान मार्ग माना सदगति मार्ग, क्यों ज्ञान आता है एक सच्चे के द्वारा और भक्ति आती है 10 सिर वाले रावण के द्वारा, अनेक गुरुओं के द्वारा, तो अनेक गुरु जो अनेक प्रकार का ज्ञान देते हैं, मत मतांतर फैलाते हैं, उस मत मतांतर से लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा,
एक बाप आते हैं वो सब मत मतांतर का खुलासा करा देते हैं, सब धर्मों का विनाश। दुनिया में जितनी भी अनेक प्रकार की मनुष्य गुरुओं के द्वारा फैलाई हुई धारणाएं हैं, उन धारणाओं का खलास कर देते हैं और एक सद्धारणा रह जाती है। क्या? एक ही सच्ची धारणा रह जाती है, पवित्रता से दुनिया का कल्याण होना, विचार से दुनिया का अकल्याण और अब विचार से दुनिया का कल्याण। तो एक की मत माननी ही पड़े, एक को याद करना ही पड़े और एक का संग करना ही पड़े। कहते भी हैं एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक से प्रीति बुद्धि बनेंगे तो सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। एक भी कोई ऐसा लल्लू चप्पू नहीं, हमने बुद्धि से समझ लिया है ऊंचते ऊंचे एक शिव बाबा। क्या दुनिया में धर्म पिताएं तो हैं, अनेक धर्म स्थापन किए हैं, बड़े बड़े धर्म को स्थापन करने वाले भी हैं। क्रिश्चियंस की आबादी 150 करोड़ से भी ऊपर जा रही है, 150 करोड़। दुनिया की आबादी 500 करोड़, उसमें से 150 करोड़ क्रिश्चियन और लगभग इतने ही होंगे मुसलमान। तो 300 करोड़ तो क्रिश्चियन और मुसलमानों की आबादी हो गई, हो सकता है इससे भी जास्ती निकल गई हो, बाकी में सब धर्म। बाकी में कितने रह गए? 8 धर्म और रह गए। तो बाप कहते हैं भले वो इतने बड़े बड़े हुजूम धर्म की स्थापना कर लेते हैं लेकिन वो सब झूठे हैं। क्यों? क्यों जिन जिन धर्म खंडों में उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया वो धर्म 2500 साल पहले नहीं थे। जैसे यूरोप धर्म खंड है, वहां क्रिश्चियंस की जास्ती है, बहुतायत है, लेकिन 500 साल पहले क्या वो अमेरिका थी? नहीं, मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर भी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया में क्रिश्चियंस ज्यादा है, क्या ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले मनुष्य को उसकी जानकारी थी? मनुष्य नाम मात्र को वहां था ही नहीं। तो ये सब विनाशी धर्मखंड है, विनाशी धर्म है और उनके धर्मखंड भी विनाशी है, और उन धर्मखंडों में पनपने वाली जो मनुष्य आत्माएं हैं वो सब सब विनाशी है। आत्मा भी विनाशी होती है? आत्मा विनाशी होने का मतलब वो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं नहीं है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली वो आत्माएं नहीं है, और हम ऑलराउंड पार्ट धारी हैं। किस लिए हैं ऑलराउंड पार्ट धारी? क्योंकि हम ऊंचते ऊंचे बाप की संतान बनते हैं, ऊंचते ऊंचे धर्म बाप आकर के स्थापन करते हैं। कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है, लेकिन कौन से वंश की स्थापना करते हैं? सूर्य वंश की स्थापना। वो डायरेक्ट जब आते हैं तो पहले पहले सूर्य का आधार लेते हैं। उस गीता में भी लिखा हुआ है मैंने जो ज्ञान सुनाया सबसे पहले किसको सुनाया? सूर्य को सुनाया। तो हम सूर्यवंशी हैं असल। क्या सूर्यवंशी जो सिर्फ हैं भारत के कल्याणकारी नहीं होते हैं? सूर्य सबको एक जैसी रोशनी देता है, सारी दुनिया को देता है या सिर्फ भारत को देता है? हम सारी दुनिया के कल्याणकारी हैं, हम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। हमारा बाप विश्वनाथ कहलाता है। क्या? विश्वनाथ शंकर कहलाते, राधा कृष्ण उन्हीं से आते। किससे आते? जो दुनिया का सबसे जास्ती पावरफुल है, योग बल वाला है, उस योग बल वाले से ही सृष्टि की पहली पैदाइश होती है। राधा कृष्ण का जन्म उनसे होता है। फिर नंबर वन तो बताया वो सब है शास्त्रों का ज्ञान। बाप कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी
ज्ञान सागर मैं हूँ क्या, वो शास्त्रों की अथॉरिटी है। कौन? धर्मगुरु। वो कहेंगे मुरली में ऐसा बताया, मुरली में ऐसा कह रहा है, मुरली में ऐसा बताया। अरे मुरली में जो कुछ बताया है उसके गुह्यार्थ को समझते हो? गुह्यार्थ को तो समझते नहीं। या तो कहते हमसे ज्यादा जिरेबाजी मत करो, क्लास के बाद पूछना, और क्लास के बाद गायब हो जाते। बाप तो कहते हैं मैं ज्ञान की अथॉरिटी हूँ, सरेआम मैदान पूरी पब्लिक के बीच में सब प्रश्नों का जवाब देता हूँ। हाँ कोई कोई बातें ऐसी होती हैं जो कुछ समय के लिए छुपाई जाती है। सब बातें अभी पढ़ा दूं तो आगे चल करके क्या पढ़ाऊंगा? क्यों? क्योंकि जब तक जीना है तब तक पीना है। बच्चे जब तक देवान में जीत रहे हैं, जी रहे हैं, तब तक उनको पढ़ाई तो पढ़ानी पड़ेगी। तो पढ़ाई के भी ग्रेड्स हैं, ऐसे नहीं प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको BA MA की पढ़ाई उसी समय पढ़ाई दी जाए, या BA MA पढ़ रहे हैं, MA में पढ़ रहे हैं और उनको रिसर्च स्कॉलरशिप का ज्ञान पहले से ही मिल जाएगा पूरा पूरा, नहीं। हर चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हर बात का भले जवाब दिया नहीं जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं है। बाप का जो ज्ञान है वो शास्त्रों का रटा रटाया ज्ञान नहीं है क्या? ये तो ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर तो ज्ञान की लहरों की उछालें मारते रहते हैं, कभी कोई रतन नए नए बाहर आ जाते हैं। जो होशियार बच्चे हैं उन रतनों को धारण कर लेते हैं। तो मैं ज्ञान की अथॉरिटी हूँ, ज्ञान का सागर मैं हूँ, बाकी जो आत्माएं हैं ज्ञान की नदियां हो सकती हैं, ज्ञान के बड़े बड़े सरोवर हो सकते हैं क्या? जैसे ज्ञान मान सरोवर कहते हैं ना कि पहाड़ों पर बहुत ऊंचाई पर एक मान सरोवर है, उसमें हंस निवास करते हैं। तो मान सरोवर कौन हुआ है? वो मान सरोवर कौन हुआ? प्रजापिता। वो प्रजापिता मान सरोवर जो पार्ट बजाने वाला है, हीरो पार्टधारी, उसके नजदीक आसपास कौन बैठेंगे? हंस वृत्ति की आत्माएं बैठेंगे। कोई गाली दे रहा है वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। अरे उनको रतन ही धारण करने हैं, उनको हीरे मोती धारण करने हैं, ये पत्थर कंकड़ क्यों धारण करेंगे? एक कान से सुनाना, सुनना और दूसरे कान से निकालना, ही अनुयेबल। ये ज्ञान उनके अंदर पक्का पक्का बैठा हुआ होगा। तो ज्ञान का सागर मैं हूं, मैं तुमको ये शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूं। शास्त्रों की बातें मैं तुम्हें नहीं सुनाता हूं, हाँ कभी कभी रेफर कर देते हैं। देखो शास्त्रों में भी ऐसे लिखा हुआ है, कोई कोई की ज्यादा विश्वास शास्त्रों पे बैठा हुआ है तो उनको बता देते हैं कि शास्त्रों में भी तो ये बातें हैं। शास्त्रों में जो कुछ लिखा हुआ है वो कहाँ की यादगार लिखी हुई है? किसी संगम युग की यादगार लिखी हुई है। तो बाप तो आकर के शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शास्त्रों में तो ढेर सारा भूसा भरा पड़ा है, लेकिन बाप जो बातें रेफर करते हैं वो सार की बातें रेफर करते हैं। तो जो सार की बातें रेफर करते हैं उन पर हमारा मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए। हमारा ये रूहानी ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। बाकी सबका है वो जिस्मानी शास्त्रीय ज्ञान, वो फिलॉसफी सत्संग आदि तो सब भक्ति मार्ग के लिए। ये रूहानी बाप रूहों को समझाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। इसलिए मेहनत लगती है कि बच्चे देवान में रह करके सुनते हैं तो धारण नहीं कर पाते। देवान माना मिट्टी का पात्र, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरेगा। तो ये जो सारा ज्ञान है उसका क्लेरिफिकेशन तो अभी मिल रहा है टीचर के रूप में, लेकिन ओरिजिनल रूप में वो क्या था, कहां से आया,
शेरनी के मुख से आया ना, किसके मुख से आया है? शेरनी। ब्रह्मा बाबा का रूप क्या हुआ? शेरनी का रूप हुआ। झंडे में तीन शेर दिखाए जाते हैं, नोटों में तीन शेर दिखाए जाते हैं, स्टाम्प में, कोर्ट स्टाम्प में तीन शेर दिखाए जाते हैं। वो तीन शेर कोर्ट ऑफ आर्म्स कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार। वो तीन शेर टाइम टू टाइम प्रत्यक्ष होते हैं, तो जरूर उनमें कोई शेरनी भी होगी। तो ब्रह्मा के मुख से जो कुछ सुनाया वो हुआ शेरनी का दूध। वो शेरनी का दूध उन्हीं के अंदर धारण होगा जो आत्माभिमानी, क्या रूहानी स्टेज में होंगे। अगर रूहानी स्टेज में नहीं है तो देह भान में, और देह रूपी मिट्टी के भान में है तो मिट्टी का पात्र हो गया, मिट्टी के कान हो गए, उसमें वो ज्ञान ठहरेगा। तो बड़ी मेहनत है बच्चों के लिए, क्योंकि 63 जन्मों से आदत पड़ी हुई है देह भान में रहने की। अभी बाप आकर के हमको प्रैक्टिस कराए रहे हैं, तो प्रैक्टिस जो जितनी जास्ती करता है आत्म की स्थिति में रहने की, वो उतना ही उपलब्धि का अधिकारी बन जाता है। तो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप के बच्चे जरूर बाप की गद्दी के वारिसदार बनेंगे। क्या कहा? बाप की गद्दी के वारिसदार बनेंगे। अरे तो कुमारिका दादी तो वारिसदार बन गई है, बन गई कि नहीं बन गई? संगम की है, संगम की। हाँ, यहाँ गद्दी नहीं लेनी है, यहाँ गद्दी नशीन नहीं बनना है, यहाँ तो हम सेवाधारी हैं। बाप क्या कहते हैं मुरली में? बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाप तो सेवाधारी बन करके आए हैं, कहते भी है सबते सेवक धर्म कठोरा। जो घर में नौकर चाकर होता है ना, वो उसका बहुत कठिन काम होता है। अगर सच्चा नौकर बन करके रहे तो क्या उनकी बातें भी सुने उल्टी सीधी और उनकी सेवा भी करे क्या? तो सेवाधारी का कर्म कोई साधारण कर्म नहीं है। बाप हमारा रूहानी सेवाधारी बन करके आया हुआ है, तो हम भी बाप के बच्चे क्या है? सेवाधारी। हम गद्दी नशीन नहीं है, यहाँ की गद्दी नहीं लेनी है। तो बुद्धू लोगों की बुद्धि में ये बैठ जाता है, यही हम गद्दी नशीन बन जाए। तो जो यहाँ गद्दी नशीन बन जाते हैं वो फिर मुसलमान बन जाते हैं। औरंगजेब ने क्या किया? बाप की गद्दी जबरदस्ती छीन ली, बाप को जेल में डाल दिया। तो यहाँ भी बाप को क्या करते हैं? जेल में डाल देते हैं। बाप को जेल में डाल देते हैं और खुद राजा ही के हकदार बने रहते हैं। कहीं बाहर न निकल आए तो हमको हमारी गद्दी छीन लेगा। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी। क्या कहा? लक्ष्मी नारायण भी देहधारी। उनके बच्चे वो जिस्मानी माँ बाप से वर्षा लेंगे, क्या रूहानी बाप से वर्षा नहीं लेंगे? लक्ष्मी नारायण के बच्चे किससे वर्षा लेंगे? रूहानी बाप से वर्षा लेंगे या अपने जिस्मानी बाप से वर्षा लेंगे? जिस्मानी बाप से वर्षा लेंगे ना। और हम कोई जिस्मानी बाप से वर्षा नहीं लेते हैं, हम रूहानी बाप से वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो वो बात ही नहीं है लक्ष्मी नारायण वाली। वो मनुष्य मनुष्य से वर्षा पाते हैं और तुम रूहानी बाप से वर्षा पाते हो, यहाँ तो बातें ही सारी न्यारी है। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है, यहाँ है रूहानी बात। वहां ऐसे नहीं कहेंगे रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। क्या लक्ष्मी नारायण के जो बच्चे होंगे वो ये नहीं कह सकते कि हम रूहानी बाप से वर्षा लेते हैं।
वो भी जिस्मानी बाप से वर्षा लेते हैं और हम इस समय रूहानी बाप से वर्षा लेते हैं। ये एक ही समय है जब रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। और सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कोई भी समय नहीं होगा जब रूहानी बाप से वर्षा मिलता हो। 11:10:66 की वाणी का दूसरा पेज। कोई समय ऐसा होता ही नहीं सिवाय संगम युग के जब आत्माओं को बाप से वर्षा मिलता हो। देह अभिमान को तोड़ना है, वो वर्षा पाने के लिए क्या करना है? ये देह अभिमान को तोड़ना है, हम आत्मा हैं और बाप को याद करना है। यही भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, याद अक्षर हिंदी का है। क्या याद? याद करो है, याद करने के लिए ओरिजिनल याद होनी चाहिए या आर्टिफिशियल याद होनी चाहिए? ओरिजिनल याद होनी चाहिए। ओरिजिनल याद कैसी होती है? हाथ पांव बांध करके बैठ जाए वो ओरिजिनल याद होती है? नहीं, वो तो हठ योगियों की याद होगी, उसको तो योग कहते हैं वो लोग, है योग सिखाते हैं। हमारी तो ओरिजिनल याद है, जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है। बच्चे को याद करती है तो हाथ पांव बांध करके बैठ जाती है क्या? नहीं, बच्चा बाहर खेलने गया, माँ को ध्यान रहता है हमारे बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए, याद आता है ना, तो वो ओरिजिनल याद है। यहाँ क्या करते हैं? ढोल मजीरा मृदंग बजाते हैं भक्ति मार्ग में, और यहाँ सेंटरों में रिकॉर्ड बजाया जाता है। रिकॉर्ड बजेगा तो याद आएगी, रिकॉर्ड नहीं बजेगा तो याद नहीं आएगी। तो बाप क्या कहते हैं? ये सब आर्टिफिशियल याद, वो याद नहीं है, उसको योग कह सकते हैं। बाप तो तुम्हें याद सिखाते हैं, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी बाप को याद कर सकते हो। बाप को याद करने के लिए न टैप रिकॉर्ड की जरूरत है, न झांझ मृदंग मजीरा बजाने की जरूरत है, न लाल लाइट की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। जिनका प्यार होगा उनको ऑटोमेटिक याद आएगा। और प्यार कब होगा? बिंदी से बिंदी से प्यार हो ही नहीं सकता। बिंदी बिंदी को प्यार करे ये होता ही नहीं। प्यार कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के प्यार होता है? अरे माँ बच्चे को याद करती है, प्यार करती है, तो कर्मेंद्रियों का कुछ उपयोग होता है ना। चलो दृष्टि ही सही, माँ बच्चे को दृष्टि से प्यार करती है तो प्यार से देखती है, वो दृष्टि पता चलती है ना, माँ बेटे का प्यार है। पति पत्नी का भी प्यार होता है, वो दृष्टि अलग होती है। बाप बेटे का प्यार होता है, वो दृष्टि अलग होती है। टीचर और स्टूडेंट का प्यार होता है, जो स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई पढ़ाता है तो टीचर उसको बहुत ध्यान देता है, बहुत अच्छा स्टूडेंट आगे बैठाता है। तो ये प्यार जो होता है ना वो तो शरीर के साथ होता है ना, बिना शरीर के प्यार कैसे होगा? तो बाप भी आकर के साकार सृष्टि में साकार बन करके आता है, बच्चों को साकार में प्यार देता है, स्नेह देता है, रूहानी दृष्टि देता है। तो वो दृष्टि वो ही ले सकेंगे जो देह भान को तोड़े हुए बैठे, आत्म की स्थिति वाले बने हो। इसलिए अमृत वेले जब हम सो करके उठे तो ये बात पक्की कर दे कि उठते ही कुछ भी याद ना आए 10 मिनट तक, मैं आत्मा हूँ। क्या याद आए? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, स्टार हूँ, वो स्टार भ्रमति के मध्य में याद आए। 10 मिनट ये फाउंडेशन सारे दिन का पक्का कर देना चाहिए, उसके बाद फिर कोई दूसरा काम करे। मुंह आदि भी धोने के लिए न उठे, क्या करें? उठते ही उठते मैं आत्मा स्टार। जब आत्म की स्थिति का फाउंडेशन पक्का होगा तो आत्मा का बाप परमात्मा भी याद आएगा। यही भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। तो अब तुमको ये नॉलेज कौन देते हैं?
कोई मनुष्य नहीं देते हैं। ये बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हम कोई मनुष्य से ज्ञान नहीं सुनते हैं, क्या हम रूहानी बाप से ये ज्ञान सुनते हैं? और वो सब देहधारी गुरुओं से सुनते हैं। किसे किससे सुनते हैं? कोई दीदी दादी से सुनते हैं, कोई दादाओं से सुनते हैं, और हम सूर्यवंशी बाप के बच्चे ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट सुनते। जन्म जन्मांतर तो मनुष्य मनुष्य से बात करते आए, अभी तो हमें रूहों का बाप मिला हुआ है। क्या मनुष्यों का भी बाप नहीं, किसका बाप? रूहों का बाप, देवताओं को बनाने वाला। क्या बनाता है? नरसे नारायण बनाता है, वो मिला हुआ है, ऊंचते ऊंचे बाप मिला हुआ है। तो अभी हम किससे बातें करें? बात करते हैं तो शंकर रंग लगता है कि नहीं है? बात करते हैं तो शंकर रंग जरूर लगता है, आंख से देखते हैं तो शंकर रंग जरूर लगता है। तो देखें तो किसको देखें? बाप को देखें। बात करें तो किससे करें? बाप से बात करें। कर्म इंद्रियों से कुछ लेन देन करें तो किससे करें? एक बाप से करें। तो फिर हमारा भाग्य बनेगा ये बिगड़ेगा? हमारा भाग्य तो बनेगा। तो रूह सुनती है, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी वो स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु इसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है। क्या था? कौन सुनते हैं गीता को और कौन गीता को स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं? भक्ति मार्ग वाले। आपने ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी है। क्या समझते हैं कि गीता का ज्ञान किसने दिया? कृष्ण की सोल दादा लेखराज ने गीता का ज्ञान दिया। इसके अलावा और कोई साकार उनकी बुद्धि में नहीं आता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। मुख से कहते रहते हैं, लोगों को सुनाते रहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है, लेकिन जब उनसे पूछा जाए गीता ज्ञान सुनाने वाला अगर शिव है तो वो ज्योति बिंदु है या कोई साकार है? साकार ब्रह्मा बाबा। तो साकार है तो कह देते हैं ब्रह्मा बाबा। अब साकार जब ब्रह्मा बाबा हो गया तो ब्रह्मा को तो तुम कृष्ण कहते हो, तो कृष्ण ही गीता का भगवान हो गया ना तुम्हारे लिए। तो दूसरों को दुनिया को कैसे समझाओगे कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? खुद तो अंदर से समझे बैठे हो, पक्के किए बैठे हो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कौन है गीता का भगवान? खुद बुद्धि में बैठा हुआ है क्या कि गीता का भगवान कृष्ण है, दादा लेखराज है? तो दूसरों को समझाने की बात पैदा नहीं होती। पहले खुद बुद्धि में समझे कि गीता का भगवान निराकार शिव कैसे है? क्या स्टेज वाले? हाँ, ब्रह्मा का एक भी चित्र ऐसा नहीं है जो धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज वाला हो। क्राइस्ट के चित्र को देखो, महात्मा बुद्ध के चित्र को देखो, गुरु नानक के चित्र को देखो। चित्र क्या कहता है? चेहरा क्या कहता है? निराकारी स्टेज में है, आत्म के स्टेज में है या देवान के स्टेज में? निराकारी स्टेज में। तो जो निराकारी स्टेज वाला है वो निराकारी बाप हमको पढ़ाने वाला है। नहीं तो गीता का ज्ञान बिना मुख के कैसे सुनाएगा? गीता का ज्ञान सुनाने के लिए क्या चाहिए? मुख चाहिए ना। कहते हाँ ब्रह्मा का मुख लिया। अरे जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो, जिसका मुख लिया, वो ब्रह्मा तो कृष्ण की सोल है। उसको अगर गीता का ज्ञान देने वाला कहेंगे तब तो जो दुनिया में बात है वो ही तुम्हारी बुद्धि में है। गीता का भगवान कृष्ण जब तक साबित हो रहा है तब तक हमारी जीत नहीं हो सकती। हमें ये साबित करना है कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है। उसके अलावा और कोई भी मनुष्य मात्र हमको गीता का ज्ञान मुख से सुना ही नहीं सकता। वो गीता ज्ञान सुनाने के लिए मुख चाहिए, चाहे टीचर के रूप में सुनाए, चाहे बाप के रूप में सुनाए, चाहे सदगुरु के रूप में सुनाए, लेकिन मुख जरूर चाहिए। गीता को ज्ञानामृत कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? गीता ज्ञानामृत। तो मुरली में तो बोला है अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, माने जो कुछ सुनाया गया वो वेदवाणी सुनाई गई ब्रह्मा के मुख से, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, लेकिन उस वेदवाणी का अर्थ किसी को पता नहीं है। वो मनन चिंतन मंथन करके उन महावाक्यों का जब अर्थ करके समझाया जाता है डिटेल में, एक एक वाक्य के हिज्जे हिज्जे करके समझाए जाते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ ये मंथन करके जो चीज नई नई निकाली गई है वो अमृत है। दूध बुलाया जाता है, मथा जाता है, तो उसमें से क्या निकलता है? मक्खन, वो सार है। मक्खन माना सार, सार माने अमृत, और निसार होता है वो छाछ होती है, उसमें ताकत नहीं होती। तो हम तो मक्खन खाने वाले हैं, हम गीता ज्ञानामृत पीने वाले हैं, और वो गीता ज्ञानामृत ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद मनन चिंतन मंथन होना शुरू हुआ। उस सागर मंथन का बहुत ज्यादा महत्व है, शास्त्रों में सागर मंथन हुआ दिखाते हैं, देवताओं ने भी सागर मंथन किया और असुरों ने भी सागर मंथन किया। तो ऐसे नहीं समझना कि एडवांस पार्टी में सब देवता है, देवता है। क्या असुर हैं, उनके बीसियों बाप है। आज एक को बाप मानेंगे, कल दूसरे को बाप मान लेंगे। आज एक को निश्चय पत्र लिख करके देंगे, कल दूसरे को निश्चय पत्र लिख करके दे देंगे। हमारा तो एक बाप दूसरा, हमारा बाप खुद आकर के हमको सुनाता है, हम एक से सुनने वाले हैं और किसी से सुनने वाले नहीं है। चलो कोई सुनाता भी है तो क्या करे, मुरली से टैली करे एक कान से। अरे टैली वैली तो छोड़ो, बाद में एक कान से सुने, दूसरे कान से उसी समय निकाल दे। हम किसी की बात पे ध्यान ही क्यों दें? हमें जब सच्चाई पहले से ही मिली हुई है, हो मनुष्यों की जो लिखी हुई गीता उसमें भी लिखा हुआ है, यावान उसमें अर्थ लिखा हुआ है, एक श्लोक उसका अर्थ है कि जब तक सागर नहीं मिला हुआ है तब तक गड्ढे गड़ीचियों से मतलब रहता है, और जिसको सागर मिल जाए वो गड्ढे गड़ीचियों में क्यों स्नान करेगा? तो सागर मिल गया हमको, सागर मिल गया, उसमें समा जाओ। वो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, हर प्रकार से वो हमें सागर मिला हुआ है। तो हम छोटे छोटे गड्ढे गड़ीचियों की बातें क्यों सुने? पहले ये निश्चय बुद्धि करना है, बाप कौन? क्या कोई सुनाने आए तो क्या कहो? पहले ये बताओ शिव बाबा कौन है, तो उसे ठिठक जाएगा। पहले ये साबित करो शिव बाबा कौन, वो ठिठक जाएगा। जब ठिठक जाएगा तो कहो भाई हमको तो एक शिव बाबा से सुनना है, और किसी से सुनना नहीं, सुनना ही नहीं। थक जाएगा, क्योंकि अभी जैसे जैसे कलयुग गहराता जाता है वैसे वैसे संग दोष और अन्न दोष बढ़ता जा रहा है। ये संग दोष और अन्न दोष से ही दुनिया नीचे गिरी है, और अभी भी हम कोई से बातें करते रहे झूठे व्यक्ति से तो बातों का असर हमारे ऊपर हो जाएगा। भारतवासियों ने कैसे दुर्गति पाई? सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। तो जब हमें पक्का पता चल गया है कि सुनी सुनाई बातों से दुनिया ने दुर्गति पाई है, भारतवासियों ने खास, तो हम अब उसी प्रक्रिया को क्यों अपनाएं? हम तो एक से ही सुनते हैं और एक की ही बात सुनाते हैं। हम जो कुछ सुनाते हैं अगर उसमें कहीं भी मनमत की बू आती हो या मनुष्य मत की बू आती हो तो हम अपनी बात सुनाना ही पसंद नहीं करते, और सुनने वाले से भी कहते हैं हमारी बात मत सुनो। तो दुनिया तो गीता को स्पिरिचुअल नॉलेज समझती है, और हम समझते हैं ये मनुष्यों की बनाई हुई गीता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो कागज के पत्र पढ़ पढ़ के सुनाए जाते हैं, पहले तो वो गीता ज्ञानामृत है ही नहीं, क्या है वो? ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी है, वो वेदवाणी वो ज्ञान अमृत नहीं है। जिस गीता ज्ञान से
जिस अमृत से सारी दुनिया का कल्याण होना है वो गीता ज्ञान अमृत हमको अभी बाप सुनाए रहे, वो मंथन के द्वारा निकलता है। क्या असुरों ने देवताओं ने बैठ करके मंथन किया, तो जो स्पिरिचुअल नॉलेज गीता को समझते हैं उसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया, बाहर की दुनिया वालों ने भी नाम कृष्ण का डाल दिया और ब्राह्मणों की दुनिया ने भी कैसे डाल दिया कृष्ण का नाम, पिता श्री शिव बाबा हो तो शिव बाबा कौन हो गया, पिता श्री हो गया ब्रह्मा बाबा, श्री नाम बाद में क्यों लगा हुआ है, क्यों अगले जन्म में जाके बाद में जाके श्री बनेगा श्रेष्ठ बनेगा, अभी इस जन्म में श्रेष्ठ नहीं है। अगर वो ही श्रेष्ठ होता तो त्रिमूर्ति में नीचे क्यों बैठाया जाए, फिर त्रिमूर्ति को उसे कहाँ बैठाना चाहिए, ऊपर बैठाना चाहिए, तो नीचे बैठाया हुआ है तीसरे तबके में, तो इससे ही साबित होता है वो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ नहीं है। ओम शांति।